2024 के तीसरे चरण के चुनाव में चंदौसी जिला संभल कैमरे की नजर से चंदौसी में सुबह के समय बूथों पर भीड़ कम नजर आई, लेकिन समय बीतने के साथ लोगों ने मतदान के प्रति जागरूकता दिखाई और बूथों पर काफी भीड़ बढ़ गई। दिव्यांग जनों ने भी मतदान उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस प्रशासन का इंतजाम सभी बूथों पर काफी सराहनीय रहा। लोगों ने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। नगर का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। चंदौसी से कैमरा पर्सन अंकित गुप्ता के साथ अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट। 2024 का तीसरे चरण का मतदान स्टार्ट है इस समय और मैं खड़ा हूँ रघुनाथ आश्रम सेंटर पर। और आइए देखिए, यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि वोट किस बेस पर डाला आप लोगों ने। आप वोट डाले सर? हाँ सर, वोट डाला। आपका नाम? तो आपने जो वोट दिया है किस मुद्दे पर या किस बेस पर दिया है? विकास के मुद्दे पर और विदेशी मुद्दे पर हमने वोट दिया। अच्छा, धार्मिक मुद्दे पर वोट दिया है? नहीं नहीं नहीं, धार्मिक मुद्दे में केवल विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर और विदेश के मुद्दे ठीक है, विदेश नीति के, विदेश नीति के लिए आपने वोट दिया। हमारे हक योगी मोदी, आपने आपने योगी मोदी के लिए, मोदी के लिए। अच्छा, मोदी के लिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए और योगी के लिए वोट दिया है और कुछ लोगों का कहना है कि हमने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। मेरा नाम लोकेश वासनी, किसी के लिए वासनी वोट डाला है सर? आपने जो वोट डाला है वो सर किस मुद्दे पर डाला है? ये मैंने वोट डाला है विकसित भारत बनाने के लिए, राष्ट्रीय में और हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी के साथ हैं। और मोदी जी प्रचंड बहुमत से हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और सभी से मेरी अपील है कि अपना वोट जरूर डालें, चाहे वो किसी पार्टी को डालें, वोट डालें। जय हिंद। हाँ, मैं वोट डाला है। आपका शुभ नाम? मेरा चौधरी विवेक कुमार। आपने जो वोट डाला है वो किस मुद्दे पर डाला है? मैंने देश की विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जो आज हमारा देश तरक्की कर रहा है मैंने उसके लिए वोट डाला है। और आज हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास कर रहा है, इसलिए मैं आज मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर कमल के फूल का बटन दबा के आया हूँ और आशा करता हूँ मोदी जी